योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव को एक और बड़ा झटका दे दिया है। धामी सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। सरकार ने लाइसेंस रद्द करने के पीछे का कारण भ्रामक विज्ञापनों को बताया है। सरकार का कहना है कि भ्रामक विज्ञापन फैलाकर लोगों को गलत जानकारी दी जा रही है, जो कि बिल्कुल भी मानवीय नहीं है। दरअसल पूरी दुनिया को योग के लिए जागरूक करने वाले और अपनी देसी दवाइयों से कई गंभीर बीमारियों का इलाज करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव की संकट की घड़ी टलने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव की दवा कंपनी पतंजलि के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। ऐसा कंपनी की ओर से अपने उत्पादों के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए किया गया है। पतंजलि आयुर्वेद के दिव्य फार्मेसी के जिन उत्पादों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनमें श्वासारी गोल्ड, श्वासारी वटी, दिव्य ब्रोंकोम, श्वासवारी प्रवाही, श्वासवारी अवले, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आई ग्रिट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल है। आपको बता दें कि पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। अदालत ने सुनवाई के दौरान रामदेव, कंपनी के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और कंपनी को भी फटकार लगाई थी। रामदेव और बालकृष्ण ने माफी भी मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रवैया टस से मस नहीं हुआ। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने पिछले साल कंपनी को ऐसे विज्ञापन नहीं देने का निर्देश भी दिया। कंपनी ने इसे नजरअंदाज किया। इस पर कोर्ट ने कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को अवमानना नोटिस जारी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया, वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया। संवाद 365 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।